राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने अर्चना रविदास जी को जमुई का प्रत्याशी बनाया है। ये जमुई की बेटी है और यहाँ लालू जी ने लोकल कैंडिडेट, पहली बार लोकल कैंडिडेट जो है लालू जी ने बनाने का काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के लोग हो, कोई वर्ग के लोग हो, जमुई अपनी बेटी को जिताने का काम करेगा। रविदास समाज से आती है, पढ़ी लिखी महिला है, झाझा इनका घर है, लक्ष्मीपुर हरला। तो आप सब लोग जानते हैं एक आधी आबादी को भी मां गठबंधन ने, हमारे नेता ने, लालू जी ने सम्मानित करने का काम किया। और हम सब लोग दूसरी तरफ अगर देखेंगे, भाजपा की तरफ देखेंगे, एनडीए की तरफ देखेंगे, तो ये एनडीए वाले लोग केवल जमुई सीट को प्रयोगशाला बना रखा है, कभी इसको कभी उसको टिकट दे देगा। और ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा जो जमुई में टिकेगा नहीं। आज राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने ऐसा प्रत्याशी दिया है, आपके घर के लोगों के बीच की प्रत्याशी आप लोगों को मिला है। आप सब लोगों को निर्णय करना है कि आने वाले चुनाव में अब दूसरी तरफ वाले को हम क्या कहें, मेहमाने ना कहेंगे, जो अतिथि है, मेहमान है, गेस्ट है। चुनाव जब तक है, चुनाव रहेगा, फिर वापस चले जाएंगे। देखिए, हम लोगों का सम्मान तो हर एक के प्रति है, सब लोगों के प्रति है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारे पिता का क्या ताल्लुक रहा, वो किसी से छुपा नहीं है। अब चिराग उनके बेटे हैं, हमारा पुराना परिचय है, कई बार हम लोगों ने साथ में काम किया, लेकिन आजकल हनुमान बने हुए हैं। लेकिन वो भी भाई है, अब उनके भाई के जीजा है, तो मेहमान है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप मेहमान का हम भी नहीं जानते हैं कि भाई पता कहाँ है। बताओ, हाथ उठा के एक व्यक्ति बता दीजिए कि उनका पता कहाँ है। अगर अनुमति हो हम तो फिर आते ही रहेंगे। जमुई के लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाइएगा, कहाँ जाओगे बता दो जरा। तो हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, एक बार भी परिवारवाद के बारे में जिक्र नहीं किया जमुई में। और ये बता, प्रधानमंत्री जी आखिरी बार कब आए थे जमुई, चुनाव में 5 साल पहले, अब फिर आए चुनाव में 5 साल बाद। पिछले बार क्या क्या बोला था याद है, क्या क्या बोले थे 14 से 19 में, क्या क्या बोले थे कि हम आएंगे तो गरीबी को मिटा देंगे। हाथ रख के दिल पे रख खुद के बताइए कि गरीबी मिटा है कि बढ़ा है, बताइए बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। क्या बोले थे कि महंगाई खत्म कर देंगे, बताओ महंगाई खत्म हुआ है कि और सामान महंगा हो गया। क्या बोले थे कि बेरोजगारी दूर कर देंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, बताओ कितना नौकरी दिया प्रधानमंत्री जी ने। तो जमुई को खाली ठगने आते हैं। प्रचंड बहुमत आपको बिहार की जनता ने दिया था 40 में से 39 सीट जिताया,
प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। कहां मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? कुछ नहीं मिला। लेकिन आप अपने आप से पूछिए, लगातार आप लोग एनडीए को जिताते रहे जमुई में, और जमुई में जब एनडीए को आप लोग जिताए हैं तो बताओ आपके गांव के लिए क्या किया मोदी जी ने? क्या स्कूल बनवाया, अच्छा बनवाया, क्या किया मोदी जी का बताओ? क्या अच्छा अस्पताल कराया? कुछ नहीं कराया। कितने लोगों को नौकरी दिया मोदी जी ने भारत सरकार ने? कुछ नहीं किया, केवल देश के संपत्तियों को बेचने का काम किया है। और जितना नौकरी बहाली रेलवे और सेना में आता था उस सब को निजीकरण कर दिया गया है। सब आप लोगों का नौकरी जहां मिलता था सबसे ज्यादा, वहां नौकरी खत्म कर दिया गया है। लेकिन जब आपका बेटा, आपका भाई 17 महीने डिप्टी सीएम था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी कितना दिए थे बताइए? 5 लाख। मोदी जी, हम लोग चैलेंज करते हैं, चिराग जी चैलेंज करते हैं, बताओ देश में कहीं भी अगर किसी सरकार ने 5 लाख नौकरी केवल 17 महीने में दिया हो तो बताओ? मोदी जी भी दिए हो तो बताओ? बताओ भारत सरकार के प्रधानमंत्री 1 लाख में भी नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन आपका बेटा डिप्टी सीएम रहते हुए, हमारे चाचा मुख्यमंत्री थे, अब पलट गए तो पलट गए, तो पलटे नहीं ना, उनको हाईजैक कर लिया। चाचा जी हाईजैक हो गए। हम तो बहुत सम्मान देते हैं, बुजुर्ग हैं, छोटा है हम तो, वो बड़े हैं। लेकिन वही 2020 में यही स्टेडियम के अंदर हम आए थे, सबसे पहली बार हम बोले थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा क्या कहते थे? अपने बाप के पास से पैसा ला करके देगा? असंभव है, असंभव। सोचो वैसे मुख्यमंत्री से हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटवाया, जो असंभव कहते थे उसको भी हमने संभव करके दिखाने का काम हम लोग करते। रात रात भर छापा मारते थे अस्पताल में, पिटाई कोई गड़बड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, डॉक्टर जा रहा है अस्पताल कि नहीं जा रहा, दवा अस्पताल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ। ये लोग बन गया दूध को डिप्टी सीएम, सीएम, मंत्री। एक दो दिन छापा मारा अस्पताल में, लेकिन आपका भाई रात के 2 बजे भी जाके छापा मारने का काम करता, रात रात भर साफ सफाई करवाते थे। शहरी विकास हमारे अंतर्गत था, छठ पूजा होता था, कुछ होता था, रात रात भर घाट घाट जा करके सफाई करवाते थे खड़े होकर के। हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। यहाँ मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद है, परिवारवाद तो जमुई में क्या है भाई? पहला चरण का चुनाव कहाँ कहाँ हो रहा है? गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। जमुई में उन चिराग जी के जीजा जी सुशील कुमार औरंगाबाद में, उनके पिता भाजपा के ही कांग्रेस पे पहले थे, नेता थे, उनको सीपी ठाकुर के बेटे को, विवेक ठाकुर को नवादा में, और गया में जीतन राम मांझी, संतोष मांझी और उनका सामने, चारों सीट पे परिवार वाले को सीट दे दिए। वो सब बढ़िया, हम सब घटिया। बताओ
जितना नेता लोग किया परिवार वाला को नौकरी दिया कोनो काम किया हम काम कर रहे हैं तो हम पे आरोप लगा रहा है परिवार वाला। अरे हम तो आपके बीच के हैं, हम नौजवान हैं, नया सोच है, नया बिहार बनाना है, लेकिन जमुई की जनता हमको ताकत नहीं देगी। अर्चना रविदास जी को नहीं जिताइएगा तो हम कैसे काम करेंगे, हमको काम करने का मौका कैसे मिलेगा। कोई परेशानी होगी आधी रात में, कोई दिक्कत होगा तो अपने दीदी के पास, भाभी के पास चले जाओगे। इसलिए भाजपा वाला दंगा फसाद वाला पार्टी है, हिंदू मुसलमान करके बांटेगा, मुद्दे की बात नहीं करेगा, रोजगार शिक्षा चिकित्सा पलायन की बात मोदी जी नहीं करेंगे। बताओ क्या नहीं पलायन रोका जी भाई, क्यों नहीं जमुई में कारखाना लगवाया, क्यों नहीं लगवाया। 17 साल से एनडीए का सरकार है कि नहीं बिहार में, राज्य सरकार में, और 10 साल से भारत सरकार है, और लगातार आपका यहाँ विधायक आपका जमुई उन्हीं का है, आपका जो क्या कहते हैं सांसद जमुई का लगातार वही चिंता रहा, ऊपर से नीचे सब तो भाजपा एनडीए के लोग है, फिर भी हम ही को गाली देता है, तो काम कहाँ करेंगे आप लोग बताइए, काम करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम लोगों को, हाथ उठा करके बताइए, ईमानदारी से बताइए। ये लोग तो झूठा पार्टी है भाजपा वाला, ये लोग झूठ बोलते हैं, हिंदू मुसलमान को दंगा कराते हैं, लेकिन हम लोग सब लोग भाई हैं, मिलके रहेंगे। इस देश की आजादी में सभी लोगों का कुर्बानी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग हम लोग मिल के रहेंगे, यही हमारी देश की खूबसूरती है। सब लोगों को इज्जत कीजिए, सब लोगों को इज्जत दीजिए। हम लोग देखिए टिकट बांट रहे हैं हर जगह, कुशवाहा समाज को टिकट दे रहे हैं, अति पिछड़ा समाज को दे रहे हैं, दलित समाज को दे रहे हैं, स्वर्ण समाज को दे रहे हैं, यादव समाज को दे रहे हैं, सभी लोगों को, हम लोग मुसलमान भाइयों को दे रहे हैं, सब लोगों को लेकर चल रहे कि सबको मौका मिले। लेकिन यहाँ मोदी जी आएंगे, भाजपा वाला लोग बोलता है, वोटरवा सब बोलता है, क्या बोलता है, निमन कैंडिडेट देखिए, भाजपा वाला ऊपर देखना है, ऊपर यही बोलता है, ऊपर ऊपर। तो हम बता दें ऊपर वाला अगर अच्छा लगता है, मोदी जी अच्छे लगते हैं तो अच्छे लोग को टिकट क्यों दे देते हैं, इतना ही अच्छा है तो। और मोदी जी आप लोग देखिएगा अगर ऊपर, तो मोदी जी नीचे नहीं देखते हैं, गरीब को नहीं देखते, पूंजीपतियों को देखते हैं, समझिए, घाव में घाव मत पिलाइए। लोग बोलता देश का ना विकास, जब आपके गांव का विकास नहीं होगा, आपके जिले का विकास नहीं होगा, आपके राज्य का विकास नहीं होगा, तो देश का कैसे हो जाएगा। गवां के हो तो गवें देश का विकास हो, भाई गवां तो देश में ना है, ब्लॉक के हो, जिला के हो, राज्य के हो, तब ना देश बनता है। अरे गांव गांव से ना ब्लॉक बनता है, ब्लॉक ब्लॉक से विधानसभा अपना बनता है, जिला बनता है, राज्य बनता है जिला से, और राज्यों से ना देश बनता है। राज्य रहने नहीं करेगा तो देश कहां से बनेगा, तो ये समझिए, इधर उधर नहीं, अपना गांव में देखो कि मोदी जी क्या कर रहे, राशन दे रहे, राशन हम लोग आएंगे तो राशन के साथ साथ नौकरी देंगे, क्या बात कर रहे हो। तो राशन ही शुरू किए है क्या, शुरू हुए से फूड सिक्योरिटी ग्रुप बिल कांग्रेस के जमाने से राशन लोगों को मिल रहा है, पेंशन लोगों को कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है, हमको मौका दीजिए ना, हम लोग पेंशनों बढ़ा देंगे, ओल्ड पेंशन नियम जो है उसको लागू करवाएंगे, पुरानी जो नीति थी,
और यही नहीं, देखो ममता का, आशा का, तालमी मरकज वाले भाइयों का, टोला सेवक का, विकास मित्र का, हम आए तो बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, मानदेय बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, डबल किए कि नहीं किए, वही 17 महीना में किए, काम तो बढ़ाए। शिक्षा अच्छा हो उसने बीपीएससी से परीक्षा कराए, तेजस्वी था तो तुरंत परीक्षा होता था, बेमानी नहीं होता था, तेजस्वी के हटने के बाद पेपर लीक हो गया। पता हुआ कि नहीं हुआ पेपर लीक, पता किस कौन किस पे कार्रवाई की सरकार ने, बोलते भ्रष्टाचारी है बेमान के सजा देंगे, लड़ाएंगे सबको, तो भजपुए में ज्वाइन करा लेते हैं, केसवा बंद करा देते हैं, और दूसरा तरफ रहेगा तो जान बुझ के तंग करे, भाजपा में जाइए तो राजा हरिश्चंद्र, और नहीं तो आप बेईमान, आप गुंडा, आप भ्रष्टाचारी, आप अपराधी, यही ना है। तो जो लोग हैं मोदी जी एड़ी अलगाल जाके भाषण दे रहे थे, ये किया वो किया, अरे लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया, अब मोदी जी आप आए तो रेलवे को बेच दिए, प्लेटफॉर्म बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, और लालू जी कुली को परमानेंट कर दिए, तो बता कुली भाई लोग को गरीब रथ चलाए थे, लालू जी रेल मंत्री थे तो हर बजट में भाड़ा कम कर देते, पता लालू जी के टाइम में रेलवे का भाड़ा कितना था, आप कितना बता दो बताइए, तो ये सब कमवा नहीं दिखा मोदी जी को, काहे दिखेगा, उन लोगों को नहीं ना दिखेगा, वो लोग काम नहीं करते, हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, आपके दुख दर्द को कम कैसे किया जाए, इस पे दिन भर हम लोग लगे रहते हैं, इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, आप जितना नौजवान यहाँ है एक एक आदमी 10-10 वोट बनाने का काम करेगा, बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, अति पिछड़ा समाज में जाइए, दलित समाज में जाइए, अल्पसंख्यक समाज में जाइए, स्वर्ण समाज में जाइए, सब लोगों को, महिलाओं के बीच जाइए, सब लोगों को गोलबंद कीजिए, और बोलिए लोकल कैंडिडेट को हम लोग जिताएंगे, बाहरी को बाहर करके दिखाएंगे, करना कि नहीं करना, तो आपका अगर अनुमति हो हम तो फिर आते ही रहेंगे, देख लीजिए कुछ होगा तो मोदी जी नहीं आएगा, जब बुरा समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, तो आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए, और जीत का माला दे दे, अरे नहीं दोनों हाथ उठा।